पूर्वी दिल्ली के मधुबिहार थाना इलाके में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 2 साल पहले हुई थी शादी। परिवार का आरोप, बेटी पैदा होने पर करते थे प्रताड़ित। एक दिन बाद थी शादी की सालगिरह। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। पूर्वी दिल्ली के मधुबिहार इलाके में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला के परिवार के मुताबिक अंजलि 20 वर्ष की शादी मधुबिहार इलाके रवि के साथ 29 जून 2020 को हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही अंजलि को रवि का परिवार दहेज को लेकर प्रताड़ित करता था। शादी के कुछ समय बाद अंजलि ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन परिवार बेटे की चाहत रखते थे, जिसके बाद रवि का परिवार अंजलि को ज्यादा ही प्रताड़ित करने लगा, जिसकी वजह से देर रात अंजलि ने खुदकुशी कर ली। परिवार का आरोप है कि ससुराल के लोगों द्वारा लगातार प्रताड़ित करने की वजह से ही अंजलि ने खुदकुशी की है और ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज किए जाने और इनकी गिरफ्तारी हो, जिससे अंजलि को इंसाफ मिल सके। मंजू देवी। मंजू जी, क्या हुआ आपकी लड़की साथ? क्या मामला है? मेरी लड़की को ना मार दिया फांसी लगा के। क्या वजह है? वजह दहेज के ऊपर। शादी से पहले तो बोलते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ बेटी चाहिए। जब लड़की की मैंने शादी कर दी, आने जाने हो गए, फिर उसे गाड़ी के बात पर लेकर उसे तंग करते थे, मारपीट भी करते थे। कई बार मारपीट करके मेरे घर पर छोड़ आया। लड़की के पेट में लड़की थी, डिलीवरी भी मैंने करवाई, डिलीवरी के टाइम भी घर पर छोड़ कर आया, खुद भी वहीं पर था। ये 5-6 महीने वहीं रही। तो क्या आपके बेटी ने कभी आपको बताया कि मुझे? हाँ, मुझे बताती थी यही बताती थी कि मम्मी मुझे परेशान रखते हैं, गाड़ी के बारे में बोलते हैं। जेठ भी बोलता है, जेठानी भी बोलती है कि तेरी मम्मी तो गाड़ी देने वाली, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं गरीब आदमी, जो मुझ पर बना मैंने वो दिया गाड़ी को छोड़ कर। कितना टाइम हो गया शादी? शादी को 2 साल। 2 साल हो गया। तो क्या लड़की ने सुसाइड करने से पहले क्या कुछ सुसाइड नोट लिखा है? कुछ नहीं, वो नहीं लिखा। आपसे कोई बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई, कम से कम 20-25 दिन पहले बात हुई, जब से मेरी बात हुई उससे। क्या बोल रहे थे? उसने मुझसे बोला कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे गैले में तंग करते हैं, मारपीट करते हैं, किसी और से बात करते हैं। उस टेंशन को लेकर बहुत परेशान थी मैं, समझाई मैं ना ऐसे ना है, तो जब ऐसे चढ़ाते हैं नहीं मम्मी वो ऐसे ही है। जब लड़की ने सुसाइड की, किस तरह से सुसाइड की है लड़की ने? वो तो इनको पता है, हम नहीं थे यहाँ पे, हम नहीं थे। आपको कब बताया इन्होंने? ये इसने 2 बजे सुसाइड हुआ, ये हमारे पास फ़ोन करा इन लोगों ने 5:30 बजे। मेरे पास भी नहीं करा, मेरे जीजा के पास फ़ोन करा, जीजा ने मेरे पास फ़ोन करा, मेरे पास कोई मैसेज नहीं भेजा इन्होंने। तो अब क्या चाहते हैं आप? मुझे इन्हें सजा, इंसाफ, जैसे मेरी बेटी गई है, मुझे इंसाफ चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इसमें दिल्ली पुलिस से आप लोगों की बात हुई तो उन्होंने क्या कहा है आपको? किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं लोग? हाँ, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो मैंने मेरे बयान लिए उन्होंने सब लिख लिए, बस सर मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बेटी को। नरेश जी, क्या हादसा हुआ है और आपके वो क्या लगते थे? मेरी जी साडू की बेटी थी और मेरे को जो कल खबर लगी है 5 बजे करीबन, समथिंग 5 बजे के बाद ही खबर लगी कि लड़की ने फांसी लगा लिया। मैं उसके बाद सुनने के बाद ठीक है भाई, मैं आता हूँ, मैं क्योंकि ऑफिस में था अपने, ऑफिस से मैं यहाँ पे 7:30-7:15 बजे करीब मैं पहुँचा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, मैं 7:30 बजे करीब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आकर के देखा तो लड़की पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लास्ट समय पे एक झलक मेरी लड़की की। तो इतना तो जी मेरे को इतना पता है। शादी को कितना समय हो? शादी को 2 साल हो गए जी। हाँ, आज लास्ट मतलब 2 साल पूरे हो गए आज। तो क्या कोई झगड़ा होता था? देखो जी, ये तो मियाँ बीबी का झगड़ा है, होता चलता रहता था, ठीक है जी। और लेकिन ये शादी के बच्चा जब हुआ है, बच्चा होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब किस वजह पे हुआ था, क्या हुआ था वो माँ बता पाएगी। कभी बेटी ने आपको बताया कि ऐसा? नहीं, मुझे कभी कुछ नहीं बताया कि बस ये बोला था कि मौसा मैं तंग हूँ, कि मौसा मेरा कुछ आकर के निर्णय निकाल दो। मैंने कहा बेटा देखो, तुम्हारी ससुराल है, तुम अपने तरीके से मैनेज करो, जैसे भी करोगे। मैं आकर के इनको कुछ बुरा वाला बोल जाऊँगा, कल आप दोनों एक हो जाओगे, मैं फिर बुरा हो जाऊँगा। तो जो भी वजह रही होगी वो माँ को पता होगी या फिर बेटी को पता। लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम था अंजलि जी और पिताजी का नाम चंद्रपाल था, जो सुरगवासी है। हस्बैंड का नाम है रवि, पापा का नाम राजेंद्र। कुछ काम नहीं करता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।